आज के वीडियो में हम एरिया क्लासिफिकेशन और नॉन वायबल पार्टिकल काउंट, उसका क्या कोरिलेशन है और क्यों जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम बोलते हैं कि एरिया क्लासिफिकेशन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी, तो उसके स्पेसिफाइड लिमिट्स है और उसके सामने उसके नॉन वायबल पार्टिकल काउंट के लिमिट्स डिफाइंड है। अब कौन सी गाइडलाइन है उसके लिए, तो गाइडलाइन है ISO 14644। ISO 14644 में आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के सामने पार्टिकल्स की लिमिट कौन सी है वो डिफाइंड है। उसमें 0.5 माइक्रोन से लेके 5 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स का लिमिट्स दिया है। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल के क्लास ए हम बोलते हैं तो क्लास ए का लिमिट है 3520 पार्टिकल्स ऑफ 0.5 माइक्रोन पर मीटर क्यूब। सेम वे उसमें क्लास बी, सी और डी के लिमिट्स डिफाइंड है। जब हमको एरिया क्लासिफिकेशन प्रूव करना है तो कैसे करना है, हमको वहाँ पे नॉन वायबल पार्टिकल काउंट मेजरमेंट करना है। नॉन वायबल पार्टिकल काउंट मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, पार्टिकल काउंटर्स आते हैं। वो पार्टिकल काउंटर्स आप स्पेसिफाइड लोकेशंस पे डाल के रख के मेजरमेंट करना है। आपको 1 मीटर क्यूब सैंपल करना है और उसमें वो पार्टिकल्स अगर 3520 से नीचे है तो आप बोल सकते हो कि दिस एरिया मीट्स क्लास ए रिक्वायरमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि 36 मिनट का सैंपल क्यों करना है। तो जो पार्टिकल काउंटर्स आते हैं उसको 1000 लीटर या 1 मीटर क्यूब सैंपल करने के लिए 36 मिनट लगता है। तो जब तक आप कंप्लीट 36 मिनट या कंप्लीट 1000 लीटर सैंपल नहीं करते हो, तब तक आपको मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स है आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए पहले आपको कंप्लीट 36 मिनट के लिए सैंपल करना है। उसमें अगर काउंट्स आपके 3520 से नीचे हैं तो दिस मीन्स कि योर एरिया इज मीटिंग द क्लास ए रिक्वायरमेंट। तो दैट इज़ द रीज़न, वही रीज़न है कि 36 मिनट हमको पार्टिकल काउंट करना है। अब बात करते हैं सैम्पलिंग लोकेशंस की, तो कौन से लोकेशंस पे सैंपल करना है। तो उसके लिए भी एरिया क्लासिफिकेशन के हिसाब से, एरिया की साइज के हिसाब से कितने नंबर ऑफ सैंपल लोकेशंस करना है वो गाइडलाइन ISO 14644 part 1 उसमें डिफाइंड है। उसमें एक टेबल दिया है, टेबल A1, उसमें आपका एरिया का मीटर स्क्वायर कितना है और उसके सामने आपको कितने नंबर ऑफ सैंपलिंग लोकेशंस सैंपल करना है वो उसमें दिया है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक फिलिंग रूम के अंदर आपके एरिया के हिसाब से 5 सैंपलिंग लोकेशंस है, तो आप कौन से 5 सैंपलिंग लोकेशंस में सैंपल करोगे? रैंडमली डिसाइड कर सकते हो? नहीं, उसको हम रैंडमली नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ 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 5 सैंपल लोकेशन करके सैंपल कर लूँगा, ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्रिटिकलिटी के बेस पे जाना पड़ेगा। तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो पहले तो पूरे फिलिंग एरिया को ग्रिड्स में डिवाइड करना है। ग्रिड में डिवाइड करके फॉर एग्जांपल आपने 6 पूरे एरिया को 6 डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया ग्रिड के हिसाब से। तब कौन से ग्रिड में कौन से सेक्शन पे क्या एक्टिविटी चल रही है, उसका क्रिटिकलिटी क्या है, वहाँ पे एयर फ्लो पैटर्न कैसा है, वहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट है, क्या एक्शन हो रहा है, फिलिंग मशीन का कौन सा एक्टिविटी हो रहा है या ऑपरेटर का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपका ग्रिड के हिसाब से स्पेसिफिक ग्रिड में ऑपरेटर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ऑपरेटर बार बार जाता है और एक्टिविटी करता है, तो उसका मतलब यह है कि वहाँ पे ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो पार्टिकल्स काउंट ज़्यादा जनरेट होंगे, पार्टिकल्स ज़्यादा जनरेट होंगे। मैन मटेरियल मूवमेंट से पार्टिकल जनरेट होते हैं, दैट्स वेरी ऑब्वियस। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा कि मैन मटेरियल मूवमेंट से पार्टिकल्स क्यों जनरेट होते हैं। हमारी बॉडी में से पार्टिकल जनरेट होते रहते हैं, मटेरियल मूवमेंट होता है तो भी पार्टिकल जनरेट होते रहते हैं। तो जहाँ पे आपका मैन मूवमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे पार्टिकल जनरेट होंगे, तो आपका एक लोकेशन वहाँ पे होना चाहिए। दूसरा है कि आपका क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे एक्चुअल फिलिंग हो रहा है, जहाँ पे फिलिंग स्टेशन है, जहाँ पे एक्सपोज स्टराइल एक्सपोज कंटेनर्स है, वायल्स है, तो आपका क्रिटिकल लोकेशन है, तो वहाँ पे आपको पार्टिकल काउंट करना है। जहाँ पे आपका स्टॉपरिंग हो रहा है, जहाँ पे फिलिंग के बाद आपका स्टॉपर लग रहा है, तो वो अगेन दूसरा एक लोकेशन है जो क्रिटिकल है। जहाँ पे आपका टर्न टेबल पे ओपन वायल्स रोटेट हो रहे हैं कि जो एक्सपोज एक ओपन एरिया पे, तो वहाँ पे आपको पार्टिकल काउंट लोकेशन रखना है। जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया में जैसे बोला कि मैन मटेरियल मूवमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल फिलिंग मशीन का जहाँ पे HMI है तो वहाँ पे ज़्यादातर ऑपरेटर जाएगा, तो वो आपका एक हो जाएगा।
दूसरा जहाँ पे आपने मोबाइल या लैपटॉप वाली रखा हुआ है या जहाँ पे आपने कुछ स्टोर किया हुआ है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपका एक लोकेशन आएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे कॉर्नर है फिलिंग रूम का कॉर्नर के जहाँ पे कोई भी मैन मटेरियल मूवमेंट नहीं है, वो ग्रिड में आ रहा है लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप वहाँ पे मॉनिटर करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहाँ पे मैन मटेरियल मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्रिड में आता है बट ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पे एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं है तो आप वहाँ पे मॉनिटर नहीं करोगे तो चलेगा। बट जहाँ पे जैसा लग रहा है कि जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको सैम्पलिंग लोकेशन ऐड करना है, ज़्यादा सैंपल करना है। फॉर एग्जांपल दूसरा आगे बात करेंगे कि आपका आईएसओ के हिसाब से आपका एरिया में 5 सैम्पलिंग लोकेशन आना चाहिए, नंबर ऑफ लोकेशंस, बट जो आपका रूम में एक्टिविटीज हो रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपको 5 से ज़्यादा लोकेशन भी करने पड़ सकते हैं, तो आप ज़्यादा लोकेशन पे मॉनिटरिंग कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 है तो 5, अगर आपका एरिया में नंबर ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इन दैट एरिया इज़ हाई। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि जहाँ पे हम फिल्ट्रेशन हम कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन वेसल जहाँ पे है वहाँ पे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करना है, तो वहाँ पे अगर आपका मूवमेंट ज़्यादा है फिल्ट्रेशन वेसल के पास में, जहाँ पे आपका फिल्टर है उसके पास में, जहाँ पे आपने स्टराइल कंटेनर्स या स्टराइल कंपोनेंट्स या स्टराइल कनेक्शन कर रहे हो वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा सैम्पलिंग लोकेशन डाल के सैम्पल करना ज़रूरी है। तो ये गाइडलाइन के हिसाब से, फिर अपना इवेल्यूशन के हिसाब से कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल एक्टिविटी, व्हाट इज़ द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, बेसिस दैट वी हैव टू डिटरमाइन कि हम जब एरिया क्लासिफिकेशन प्रूव कर रहे हैं तो हमको कहाँ कहाँ पे हमको सैम्पल करना है और सैम्पलिंग लोकेशन उसके हिसाब से डिसाइड करना है। तो आशा रखता हूँ कि मेरा छोटा सा वीडियो एक थॉट प्रोसेस डालने में आपको हेल्प करेगा, जब आप डिटरमाइन करते हो सैम्पलिंग लोकेशन, जब आप एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम डिसाइड करते हो। आपको कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, आपको कुछ और सजेशंस आप मुझे बता सकते हो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। आशा रखता हूँ कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।